नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनदीप सिंह है और मैं आज आपके सामने एक प्रोडक्ट लेके आया हूँ, फॉरएवर बी हनी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि शहद का इस्तेमाल हमें क्यों करना चाहिए, शहद के कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं? क्या आप शहद यूज़ करते हैं? क्या आपकी फैमिली में कोई हनी का सेवन करता है? अगर करता है तो आप देखिएगा कि वो कौन सा ब्रांड है, क्योंकि दोस्तों मार्केट में जितने भी ब्रांड्स हैं ना, डाबर, हिमालय, रामदेव, झंडू, वैद्यनाथ, खादी हनी, जितने भी हैं, इसके अलावा बहुत सारे हैं। तो दोस्तों यूट्यूब में आप ज़रा एक टाइप करके देखिएगा कि मार्केट हनी कंटेन्स एंटीबायोटिक्स, ये 7 से 8 साल पहले की एक खबर है, जिसमें जितने भी मार्केट में हनी आते हैं उसमें सब में एंटीबायोटिक्स थे, जो कि हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। चीनी अलग होती है उन हनीस में, शुगर के पेशेंट्स वो नहीं ले सकते, एंटीबायोटिक्स होते हैं। 100-150 रुपये का हनी वो मिल जाता है, वो खाने से अच्छा है कि आप हनी मत खाओ, क्योंकि वो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। दोस्तों इस हनी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, फॉरएवर बी हनी। दोस्तों ये हनी की खासियत बताऊँ आपको, ये हज़ारों साल तक ख़राब नहीं होता, 3000 साल तक ये हनी ख़राब नहीं होता। दोस्तों अगर प्योर हनी है ना, तो वो 3000 साल तक उसकी लाइफ रहती है। यहाँ 4 साल तो उसकी शेल्फ लाइफ लिखी है, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है कि 4 साल से ज़्यादा नहीं लिख सकते, पर ये अगर हम रख देंगे ना हनी ऐसी, जितना हनी पुराना होता है उतना अच्छा होता है, अगर वो ऑर्गेनिक नेचुरल हनी होता है तो। दोस्तों उसमें चीनी नहीं मिलाई जाती, ये कभी जमता नहीं है, कभी ख़राब नहीं होता। दोस्तों शुगर के पेशेंट्स, डायबिटीज़ के पेशेंट्स इसको ले सकते हैं। दोस्तों ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ये जो प्लास्टिक बोतल है 5 नंबर से बनी है, इसके अंदर अल्ट्रा वॉलेट रेस एंटर नहीं कर सकती, 5 नंबर का प्लास्टिक है ये। दोस्तों इसमें लिखा होता है फॉरएवर बी हनी। किसी भी कंपनी को परमिशन नहीं है अपने हनी में बी लिखने की, क्योंकि कोई भी कंपनी बी से हनी नहीं बनवाती। जैसे आपने देखा होगा डाबर हनी, पतंजलि हनी, वैद्यनाथ हनी, खादी हनी, तो दोस्तों वो हनी कंपनी बनाती है, आप समझे कुछ, ये हनी बीज बनाती है, मधुमक्खियाँ बनाती हैं। दोस्तों ये स्पेन में इसकी बी कीपिंग होती है, ऊंची पहाड़ियों में, वहाँ पे औषधीय गुणों वाले कुछ फूल लगाए जाते हैं, कोई प्रदूषण नहीं होता, इसलिए ये हनी बिल्कुल प्योर फॉर्म में। आप काला कलर देख रहे होंगे, ज़्यादा डार्क ब्लैक है, ब्राउनिश में, क्योंकि मिनरल्स भरपूर होते हैं। अगर इसकी रोज़ कोई 2 चम्मच लेता है तो उसकी बॉडी में कभी भी न्यूट्रिशन की कमी नहीं हो सकती। ये आँखों में स्याही की तरह भी लगा सकते हैं, इसे हम चोट में भी लगा सकते हैं, ये स्किन में अगर हम दूध के साथ मिक्स करके लगाएंगे तो डेड स्किन को निकालता है, ये बालों में अगर हम शैम्पू में ये मिक्स करके लगाएंगे तो ये बहुत ही अच्छा कंडीशनर की तरह काम करता है। इसमें 12 के 12 विटामिन, 20 मिनरल, 19 अमीनो एसिड के साथ 22 अमीनो एसिड होते हैं इसमें, 22 अमीनो एसिड होते हैं, एसेंशियल नॉन एसेंशियल सारे के सारे। दोस्तों और ये इकलौता हनी है जिसको ये रेटिंग मिली है, ये होती है कोशर रेटिंग। इसका नेट पे आप देखिएगा, ऑर्गेनिक नेचुरल प्रोडक्ट्स को ही कोशर रेटिंग मिलता है। एम हलाल मीन्स अरब कंट्रीज़ में है, मुस्लिम कंट्रीज़ में है, सऊदी अरेबिया में है, UAE में है, ये सारी जगह है, ये 168 देशों में ये हनी बनता है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है। दोस्तों अगर आप अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं तो ये हनी ले लीजिए, क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। ये प्रोडक्ट्स महंगे लगते हैं लोगों को, बोलते हैं महंगे हैं महंगे हैं, मैं तो कहता हूँ महंगे नहीं है, कीमती हैं। अस्थमा में कितना अच्छा काम करता है ये, बहुत ही अच्छा वर्क करता है ये, इसके रिजल्ट्स मिरेकुलस रिजल्ट्स हैं, चमत्कार से कम नहीं है ये। तो दोस्तों हमें अच्छे न्यूट्रिशन का सेवन ज़रूर करना चाहिए, और इस हनी को आप यूज़ करना शुरू करेंगे तो आपको 15 से 20 दिन में पता लग जाएगा कि आप कौन सा हनी यूज़ कर रहे हैं और कितना अच्छा फील होगा आपको। धन्यवाद दोस्तों।